बहुत शुक्रिया मानयोग एमएलए साहब। जिवें साडे सत्कारयोग एमएलए जनाब दिनेश चड्डा जी ने तुहानू दस्सिया कि अज पहली बारी रोपड़ दे विच इस तरह का कोई वर्तारा देखने मिल रहा है कि इदां ऑडियंस के नाल इंटरैक्ट किया जा रहा है, एक अलग तरह की महफिल लगी है। उहदा कारण मैं दसदा जी, रोपड़ च बहुत कुछ हुण पहली बारी हो रहा है क्योंकि यह चीजा उदों वापरदियां ने जदों तुहानूं लीड करन वाला भी कोई विजनरी बंदा होवे, जिहदियां रूट्स तुहाडे इस धरातल दे विच जुड़ियां होण और जिहदा कद इन्ना उच्चा होवे कि उहनूं मीलां तों देखिया जा सकदा होवे। सो तुसीं कर्मां वाले हो, तुहानूं एक पढ़िया लिखिया विजनरी लीडर मिलिया, तुसीं लैजिस्लेटिव असैम्बली दे विच चड्डा साहब नूं भेजिया। ये मैं सिर्फ अज के इस छोटे जे इवेंट की गल नहीं कर रहा क्योंकि असी पब्लिक च मूव करीदा, बहुत सारिया चीज़ों का पता लगता रहिंदा। एक दिन इधर पिंड हरिपुर वाले पासे मैं गया सी एमएलए साहब, उत्थे जिथे गड्डी भी नहीं जाती उरे गड्डी ला के असी बरदार वाल नूं जांदे, उत्थे बंदे लगे हुए सी। मैं क्या कोई की बनाई जांदा इत्थे, कहिंदे एमएलए साहब इस पिंड च टावर लवाण लगे, कदे किसी ने सोचा ही नहीं सी कि इत्थे भी टावर लग सकदा, कहिंदे हुण साडे भी फोन कर लैणे। ये गल हुंदी विजन दी, मैं कहा यार फिर तो डिवेलपमेंट हो रही है तुहाडे, कहिंदे ये तो कुछ नहीं जी, जिहड़ियां सड़कां कागजां च वी नहीं सी कदे लभदियां साडियां, वी सड़कां अप्रूव हो गईयां ने, हुण उस पासे सड़कां वी बन रहीआं। गल मैनूं चरण होणा ने दस्सी जी उस वक्त। सो ये विजन दी गल है क्योंकि तुहानूं मालक पहलों सिर्फ 5 साल ही दिंदा है अपने आप नूं प्रूव करन लई, ते उहदे विच जो तुसीं आवाम लई करदे हो ना उस तों बाद तुहानूं मालक किन्नीआं टर्म्स दिंदा अलग गल है, पर जो कीता वो ता उम्र याद रहिंदा, सारी जिंदगी याद रहिंदा। और मैनूं बड़ी खुशी हुई कि रोपड़ लगता सी कि इत्थे तां कदे फिल्म भी नहीं लगती, पर जिस तरह हुण गोयल साहब ने सिनेमा तुहाडे लई शिंगार दिता और 3 स्क्रीनां चल रहीआं ने, चौथी की तैयारी है, ये मैनूं लगता कि रोपड़ हुण बहुत जल्दी वड्डे जिलियां नूं, बहुत वड्डे वड्डे कहिंदे कहिंदे जिलियां नूं भी बीट करेगा क्योंकि डिवेलपमेंट जिहड़ी देखण च आ रही है वो रोपड़ बहुत कमाल कर रहा। और मैं चाहवागा कि जेडे अगले होर अजे 3.5 साल मानयोग एमएलए साहब कोल पए ने, ये अपना बेस्ट रोपड़ नूं दे के जाण कि रोपड़ इन्हां नूं हमेशा याद रखे। और जिदा हुणे गल शिवम दी हुई, एमएलए साहब ने दस्सिया कि इस इलाके दा माण है लड़का, मैनूं बड़ा चंगा लगा चड्डा साहब। मैं 4 दिन पहला साडी दिल्ली एक स्क्रीनिंग सी, उत्थे माइनोरिटी कमीशन दे इंडिया दे चेयरमैन लालपुरा साहब भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उत्थे बैठे सी ते फिल्म चलती सी, उन्होंने मैंने पूछा कहिंदे इहना जो साडे इलाके दा भी एक मुंडा वो किहड़ा भला। सो बड़ी वड्डी गल हुंदी है कि एक इलाके नूं पहचान बनती है कि उत्थे बैठिआं नूं भी पता कि फिल्म च एक साडे इलाके दा मुंडा भी हैगा नूरपुर बेदी दा। सो मैं जिथे सारिआं दा धन्नवाद करदा, उत्थे मैनूं खुशी है कि पंजाबी सिनेमा ने भी एक नवीं करवट लई है, वो दास्तान जिहड़ी स्क्रीन ते तुहाडे बच्चे देख रहे ने, इमानदारी नाल दस्सिओ कदे किसी ने घर च कदी छेड़ी सी या छेड़ी जानी सी कदे, और इदां दा किन्ना कुछ छुपिया पिया, किन्ना कुछ दबिया पिया, किन्ना कुछ है जिन्हां ने सानू पढ़ाउणा सी, जिन्हां ने सानू समझाउणा सी, जिन्हां ने साडे बच्चिआं तक चीज़ां लै के आउणियां सी, जां तां उहनां नूं पता नहीं, जे उहनां नूं पता ते उह किताबां दे उत्ते आप पथल्ला मार के बैठे भी किताबां ना खुल जाण, जे खुल गईयां ज्ञान सारिआं तक पहुंचेगा, ज्ञान पहुंचेगा ते उहनां दी अहमियत घटदी। सिनेमा एक पारदर्शी चीज है, सच काला चिट्टा सब तुहाडे सामने लिया दिंदा, तुसीं इहनूं पास या फेल करना, जिहड़ी चीज काली है झूठी है तुसीं शुक्रवार रिजैक्ट कर दिंदे, शनिवार कोई देखण नहीं आउंदा, और जिहड़ी चीज तुहानूं लगदा कि साडियां रूहां नूं टुंबदी है साडे नाल जुड़ी है वह सिनेमे वालिआं नूं लाउणी औखी हो जांदी कि अगों फिल्म आ रही हुण लाईए किद्दां इहनूं। सो ये मस्ताने दे नाल इस वेले इदां हो रहा है कि डे बाय डे, ये पहली फिल्म है जिसे शोज वधदे जा रहे ने, वरना अगले भी अगले शुक्रवार घट जाते ने, उदू अगले बार होर घट जाते ने, पर ये शोज लगातार वधदे जा रहे ने। सो इहदी कामयाबी सिर्फ तुहानूं मुबारक है, और लास्ट ते यही कहांगा कि जिहड़ी धरती ते तुसीं बैठे हो ना, चड्डा साहब ने भी जिक्र किया साहिब ए कमाल गुरु गोबिंद सिंह साहब का, यह तो उन्हां दी करम भूमि है, सारा तो धुरा ही यह सी, इथों ही तो धरती के उत्तों ये जो वर्तारे हो रहे ने ना, ये हवावां इथों ही चलियां सी, जिथे जिथे भी हवा का बुला पहुंचया उथे ही वह सिखी पुंगरी
ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਿਖਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੋਧਾ ਨਿਤਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਹਵਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਗੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਸਿਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗਾ। ਬਰਿੰਦਰ ਬੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀਨੇ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਨੇ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ ਰੈਕਰਡਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਲਿਆ ਆ ਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਟ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਣ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।